तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट वन में बताया था कि किस तरीके से सोसाइटी के फाउंडर यानी एडम को ही सोसाइटी से बहिष्कृत करके सोसाइटी को ही गलत राह पर ले गए थे, जिसके चलते न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ। नमस्कार दोस्तों, सैटरडे नाइट डेट में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब एडम के जाने के बाद इस ग्रुप को ज्वाइन करने का क्राइटेरिया बिल्कुल ही चेंज कर दिया था, क्योंकि अब इस सीक्रेट सोसाइटी को सिर्फ अमीर और जाने मानी हस्तियां ही ज्वाइन कर सकती थी। फिर क्या था, तब इस ग्रुप में बहुत सारे बैंकर्स, डॉक्टर्स, किंग्स, पॉलिटिशियंस दिखने लग गए, जिसके एक इशारे पर काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे। अब इस ग्रुप को कई ऐसे लोग भी कंट्रोल करते थे जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही रिस्की होगा। और फिर धीरे धीरे ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता गया और इनका फर्स्ट टारगेट था मोनार्की को ख़त्म करना। इन लोगों ने मिलकर कई राजाओं को गद्दी से ही हटा दिया और वहाँ के सारे सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स कभी भी किसी के सामने नहीं आते थे, बल्कि अपना सारा का सारा काम बहुत ही सीक्रेटली करते थे। इन लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी कोडवर्ड्स बना रखे थे ताकि इनकी आईडी रिवील ना हो। धीरे धीरे करके ये सारी वर्ल्ड इकोनॉमी को भी कंट्रोल करने लगे थे और इनकी पावर्स दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। इस ग्रुप के कई मेंबर्स को अपने ऊपर बहुत ही घमंड हो चुका था, जिसके चलते इसके कुछ ऑफिशियल्स को इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानकारी लग गई थी। फिर क्या था, फिर तो इस ग्रुप के बारे में छानबीन करने लग गए और उस टाइम धीरे धीरे करके सारे इसके मेंबर्स पकड़े जाने लगे। फिर 1785 में कार्ल और उसकी सरकार ने सभी सोसाइटीज़ के ऊपर बैन लगा दी थी, फिर जिसके कारण इल्यूमिनाटी के लगभग 2000 मेंबर्स तक पकड़े गए थे और जिनमें से सिर्फ 30 बच पाए, जो बहुत ही हाई लेवल पर थे, उनके बारे में कोई नहीं जानता था। फिर उन्होंने इल्यूमिनाटी को टेम्परेरली शट डाउन कर दिया और वो आम इंसान की तरह हमारे बीच में रहने लग गए थे। अब कई थ्योरीज ऐसे बताती हैं कि ये इल्यूमिनाटी का अंत था, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये इल्यूमिनाटी का अंत नहीं था, बल्कि इल्यूमिनाटी की बहुत ही स्टार्टिंग थी। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में आगे जानना है तो इसके पार्ट थर्ड को ज़रूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली इल्यूमिनाटी की वीडियोज़ को आप ज़रूर देख पाएँ। धन्यवाद।